हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। गरिमामय समारोह में इंदौर धारा ने 50 सेवाभावी हस्तियों को मालव रत्न अवार्ड सम्मान से सम्मानित किया। आयोजन प्रीतमलाल दुआ सभागृह में हुआ। आयोजन के अतिथि श्रीमंत राजी होलकर, विप्र प्रमुख श्री योगेंद्र महंत, समाजसेवी श्री लोकेंद्र सिंह राजपूत और चित्रकार मंगल सिंह थे। इस मौके पर होलकर ने कहा कि समाज सेवियों का सम्मान करना समाज का धर्म है, इससे हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। महंत ने कहा कि समाज में आयोजन तो बहुत होते हैं, लेकिन इस तरह के आयोजन कहीं के बराबर हैं। अतः ऐसे आयोजन सतत होना चाहिए ताकि दूसरे भी प्रेरित हों। मंगल सिंह ने कहा कि आज भी समाज में सेवा करने वालों की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोगों का जीवन आज भी संकट में है, उस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। राजपूत ने कहा कि किसी के दुख सुख में खड़ा होना भी सेवा है, सेवा करने से हमें भी प्रसन्नता मिलती है। मीडिया को उक्त जानकारी देते हुए संयोजक रामचंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि जिन व्यक्तियों ने शिक्षा, चिकित्सा, कला, साहित्य, मानव सेवा, जीव दया, पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया, ऐसे 50 लोगों को सम्मान पत्र और दुपट्टा प्रदान कर सम्मानित किया गया। अतिथि स्वागत महेंद्र श्रीवास्तव, सुरेश वर्मा बंजारिया, नवीन व्यापारी, शिवनारायण कोदिया, दीपक पगारे, सुनील सोनी ने किया। कार्यक्रम का संचालन प्रवीण जोशी ने किया एवं आभार रामचंद्र श्रीवास्तव ने माना। सम्मानित होने वाले व्यक्ति इंदौर के अलावा भोपाल, इटारसी, अलीगढ़, जयपुर, नीमच, हरदा, कटनी, होशंगाबाद आदि शहर के थे। मालव रत्न अवार्ड से सम्मानित होने वाली हस्तियों में श्रीमती किरण पांचाल, नीतू जैन सांड, पूजा जोशी, डॉक्टर महेश साहू, आधार सिंह चौहान, डॉक्टर मीनू पांडे संजय, श्रीमती ज्योति जैन, सोनाली खरे, उर्मिला चौधरी, मोहन आचार्य, मोनू जैन, डॉक्टर प्रभात पांडे, प्रदीप रावल, निधि जोशी, जतिन लश्करी, चेतन सोनाने, नरेंद्र कुमार जोशी, मीना गोदरे, चांद अंजुम चौधरी, सुनीता रमेश वर्मा, भाग्यश्री, दुर्गेश राव, संदीप निरखीवाले, रेखा सुराना, उमेश त्रिवेदी, नेहा आचार्य, रामकिशोर गौतम, मनीष लश्करी, शिशिर देसाई, आराधना जैन, धर्मेंद्र राठौर, मोहन शर्मा, राजेश जाट, संजय कुमार, रुपेश चौधरी, मनोहर संघवी, प्रवीण जोशी, पवन सिंह नकुम, तोला राम तंवर और माखनलाल परमार शामिल थे। आयोजन में कवित्री श्रीमती ज्योति जलज ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। कार्यक्रम में दिनेश सिंह, महेंद्र सोनगरा, अशोक परमार सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बहुत बढ़िया दादा। इसके बाद में अशोक परमार मंगल सिंह जी को हमारी बीच में बंजारा जी है, सुरेश वर्मा जी बंजारा जी, क्योंकि आपके बीच में नर्मदा के केस से हरदा से बधाइए ज्योति जलज, उन्होंने बहुत अच्छी अवार्ड का यहाँ पे आयोजन था। यहाँ पर सभी पुरस्कृत जितने भी लोग हैं उनसे हमें प्रेरणा लेके देश विदेश एवं समाज के भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों में इन्होंने योगदान दिया है, और इनसे प्रेरणा लेके हमें भी अलग अलग दिशाओं में कार्य करना रहना चाहिए, यही मेरा सबसे निवेदन है। निश्चित रूप से इस गरिमामय माधव रत्न अवार्ड 2022 के लिए इंदौर धारा के प्रधान संपादक और इस आयोजन के संरक्षक संयोजक आदरणीय रामचंद्र श्रीवास्तव बधाई के पात्र, उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र है कि उन्होंने इंदौर शहर में 2015 से शुरू करके इस गरिमामय समारोह, जिसमें कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली प्रतिभाएं, चाहे कोरोना काल का आपदा का समय हो या अन्य क्षेत्र हो, पशु पक्षी की सेवा हो, साहित्यकारों के साथ में माध्यम से कोई कार्य हो, या शिक्षकों की मदद हो, छात्रों की मदद हो, या ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने का जो अभियान है, उन सभी योद्धाओं को, उन सभी प्रतिभाओं को यहाँ पर सम्मानित करके समाज में एक नया संदेश दिया है। मैं मेरी ओर से उन सभी का आयोजक लोगों को साधुवाद देता हूँ, और जिन लोगों को पुरस्कार मिला है उनसे ये कहता हूँ कि निवेदन करता हूँ कि वो इसे अपना अंतिम पड़ाव न समझते हुए आगे उनकी सेवा का कार्य जारी रखें। अहिल्याबाई की नगरी में इंदौर की पावन धरा पर
मानव रत्न अवार्ड का आयोजन किया गया है। इस अवार्ड के द्वारा यहाँ पर उपस्थित कई सामाजिक महानुभावों को, जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्रों के द्वारा प्रसिद्धि पाई है, इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए उन्नति के रास्ते उन्होंने खोले हैं, उन सभी को इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया है। और आयोजकों के द्वारा इस प्रकार के सम्मान से निश्चित रूप से जो सम्मानित हुए हैं, वो आगे जा कर के अपने क्षेत्र के लिए, अपनी धरती के लिए और अपने समाज और प्रदेश के लिए नाम रोशन करेंगे। मेरा सभी जिन लोगों ने सम्मान प्राप्त किया है, आयोजकों की ओर से, हमारी ओर से, मंच की ओर से, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आयोजन का मकसद सिर्फ ये है कि समाज में जिस तरह से सेवा जो कर रहे हैं, विभिन्न विभिन्न तरह प्रकार की यहाँ पर सेवा हो रही, जैसे कि कोई लावारिस लाश है तो उनको व्यवस्थित उनका विसर्जन करना, यदि कोई बूढ़े कहीं पर सड़क पे हो तो उनको उनकी व्यवस्था करना, कोई शिक्षा के क्षेत्र में कर रहा है तो कोई अपने कवि साहित्य के क्षेत्र में कर रहा है, समाज को किसी ना किसी तरह से जो बिखरा हुआ उसे एकजुट करके और जो उन पर घाव है उस तरह के मल्हम ये लोग लगाते हैं। ऐसे लोगों को आज हमने इंदौर धारा पत्रिका द्वारा सम्मानित किया है। इस प्रोग्राम में अतिथि हमारे इंदौर शहर के होलकर राजा साहब जी आज यहाँ पर आए हैं, हमारे संरक्षक योगेन महेंद्र जी हमारे बीच आए हैं, उज्जैन से उद्योगपति नाम, आपकी टीम के नाम बताइए जिस टीम में आपको नींव के पत्थर से। हमारी टीम में सबसे पहले तो हमारी जो जड़ है वो रामचंद्र श्रीवास्तव जी है, हम उन्हीं के पीछे चलते हैं, उनके पीछे हैं हमारे महेंद्र जी श्रीवास्तव, नवीन व्यापारी जी, शिव कोदिया जी और अशोक परमार जी, ऐसे तमाम हमारे मित्र जो कम से कम 10-12 लोग हैं, उन लोगों का नाम एकदम से आ नहीं पा रहा है, पर ये इन्हीं सब लोगों की मेहनत है और उन्हीं के साथ में एक स्तंभ से हम लगे रहते हैं। आप पत्रिका भी निकालते हैं? जी हाँ, एक इंदौर धारा पत्रिका निकालते हैं जो सामाजिक ज्ञान पर आधारित होती है। ये जो मालवा रत्न अवार्ड है ये एक बहुत अच्छा अवार्ड है और जो लोगों को प्रोत्साहित करता है, और आज जिस बात की बहुत खुशी है कि हम भी इस कड़ी में जुड़ गए हैं और ये अवार्ड हमें मिला है, और आगे भी ये हमें इस तरह से उत्साहित करता रहेगा कि हम जिस जो काम कर रहे हैं, जो समाज सेवा, जो संस्कृति के लिए हम काम कर रहे हैं, वो हम काम इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मालवा रत्न अवार्ड वालों जिन्होंने हमें ये अवार्ड के लिए इस तरीके से समझा, हमको अपने लिए हमको चयनित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आप सभी को अच्छे कार्यक्रम। मेरा नाम आराधना जैन है और पेशे से मैं वैसे हाउसवाइफ हूँ, कुछ समाज सेवा करती हूँ और साथ ही कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम कराना मुझे बहुत पसंद है, और समाज सेवा, ये दोनों कामों के द्वारा समाज की सेवा करना और लोगों का आगे बढ़ाना यही मेरा उद्देश्य है, और आगे भी मैं यही करना चाहूँगी।